hello kids of grade 5 i hope you people are doing well and doing your homework on time kids in my last video i had discussed chapter 1 super senses with you all the question answers and i hope you might have done that question answers in your fair notebook also today i'm going to discuss question answers of chapter 3 from tasting to digesting

So, I'm discussing answers of these questions now. Here is list 5 things you like to eat and describe their taste. So, I have made my own list. Yours can be different and it should be. You can your favorite things. Hai. Right? Then second is, do you like only one kind of taste or different ones? Why? Obviously, everyone likes different types of taste because one gets bored of only one kind of taste.

राइट वी कैन ऑफ कोर्स गेट सम थिंग्स ओनली बाय देर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम प्रोवाइडिंग दे हैव अ स्ट्रांग स्मेल स्ट्रांग स्मेल होनी चाहिए चीज़ों की ओनली देन वी विल बी एबल टू रिकोगनाइज देम फॉर एग्जाम्पल एग ऑरेंज एक्सेट्रा देन नेक्स्ट इज वी गेट द कम्पलीट टेस्ट ऑफ फूड ओनली वैन वी आर एबल टू स्मेल इट टेस्ट आप तभी उसका रिकगनाइज कर सकते हैं जब आप उसको स्मेल करेंगे प्रॉपरली सो समटाइम्स वी आर टोल्ड टू क्लोज आर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन विच डज़ नॉट टेस्ट गुड मेडिसिन का टेस्ट बिटर होता है दैट्स वाई हमें बोला जाता है कि अपने नोज़ को हम क्लोज कर लें सो दैट उसका टेस्ट ना आए हमें देन नेक्स्ट आर दीज क्वेश्चन क्लोज योर आइज एंड टेल आपने कुछ फूड आइटम्स ली अपने टंग पर रखा एंड देन हाउ डिड इट टेस्ट वट वॉज द फूड आइटम ऑन विच पार्ट ऑफ द टंगड यू गेट द मोस्ट टेस्ट In front or back, which taste could be made out on which part of the tongue? And last is one at a time, put some things to eat in other parts of your mouth. These are the questions. So I am discussing them one by one first uh, as if suppose sugar is given, the taste was sweet. You can sugar. Kids, your answer may vary. So please do not depend totally on these answers. These are just for your reference only. Then, second is in front side. शुगर हैज़ बिन टेस्टेड आपसे पूछा गया था कि कौन से पार्ट पर उसका टेस्ट आएगा तो अगर शुगर आप ले रहे हैं तो उसके टंग के फ्रंट साइड पर उसका टेस्ट रहेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग हैव डिफरेंट टेस्ट सोन्स देन थर्ड में यू कैन लेबल इट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग आई एम मेकिंग द पिक्चर मोर क्लियर फॉर यू आपका फोर्थ क्वेश्चन था कि वन एट अ टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ अंडर द टंग लिप्स और रूफ ऑफ द माउथ फिर आपको इनका टेस्ट आएगा या नहीं आएगा नो आई कुड नॉट टेस्ट एनी थिंग इट इज बिकॉज वी गेट द टेस्ट ओनली वन द फूड अप विथ सिलाइवा जब सिलाइवा के साथ फूड मिक्स होगा तभी उसका टेस्ट आएगा अदरवाइज नहीं आएगा एंड रिच इज टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन द टंगन नेक्स्ट आर दीज क्वेश्चन फर्स्ट इज यूज अ क्लीन क्लोथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग कुट एनी थिंग वाई डज दिस हैपन दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ टेस्ट बर्ड फेन नेक्स्ट इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट यूर टंग हाउ डज द सर्फेस लुक आंसर इज द सर्फेस लुक्स रफ येस आई कैन सी टाइनी बम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द टंगन क्वेश्चन इज इफ टेल का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग इफ समन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आमला और कुकुम्बर सो आई एम डिस्कसिंग इट्स आंसर इन क्वेश्चन यू हैड बिन आस्क आपको डिफरेंट फूड आइटम्स के टेस्ट बताने हैं तो आई हैव रिटन हेयर टमाटो ऑनियन सॉफ एंड गार्लिक next question is when jampa tasted some of the things she said she produced some sound so what do you think she may have eaten according to me she may have eaten a chili then why don't you make some sounds that describe some taste here i have mentioned some sounds which you can make while tasting anything the next two questions are there has anyone at home told you to eat slowly and then second is इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक गो अवा वट काइंड ऑफ चेंजेज टेक प्लेस इन इट फर्स्ट इज येस माई मदर ओफन टेल्स मी ईट स्लोली एंड चू वेल बिकॉज इफ़ द फूड इज़ प्रॉपर्ली च्यूड अगर हम उसे प्रॉपर्ली च्यू करेंगे तो डाइजेशन भी प्रॉपर होगी और हमें एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी मैक्सिमम न्यूट्रिशन होगा दैन सेकेंड इज वेन आई बाइट अ पीस ऑफ ग्रीन गोवा इट इज़ हार्ड एंड मे इवन टेस्ट अ बिट बेटर थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है हाउ एवर आफ्टर अचीविंग इट प्रॉपरली इट बिकम सॉफ्ट जब वो सेलेवा के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा सलेवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन स्ट्रेट फ्राम द हार्ट वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग योर माउथ एंड स्वेलो इट इट्स आंसर इज आई थिंक द फूड वी ईट वुड फर्स्ट गो टू स्टामक एंड देन गो टू इंटेस्टाइन पहले स्टमक में जाएगा इंटस्टाइन देन आई एम डिस हाउ डू यू फील वेन यू आर वेरी हंग्री आपको कैसा लगता है जब आप हंग्र हो आई फील अबिट टायर्ड एन आई एम वेरी हंग्री डिसाइड आई फील एन एम्टी सेंसेशन इन द स्टामक एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग इमिडियटली जल्दी से कुछ खाने का दिल करता है जब भूख लगे तो हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री बट माई स्टमक फील्स एम टी जब मुझे अपना स्टमक खाली लगता है ना आई हैव स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग और बहुत ज़्यादा मुझे इच्छा होती है कुछ खाने की इन स्ट्रोंग अर्ज टू ईट कम टू नो दैट आई एम हंग्री थिंक वट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनी थिंग फॉर टू डेज टू डेज के लिए अगर आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो सोचो क्या होगा ऑब्वियसली आई if I do not eat anything for two days, I'll become weak and fall ill. बीमार हो जाएंगे Last is, would you be able to manage without drinking water for two days? Where do you think water that we drink goes? No, I will not be able to manage without drinking water for two days. Water is essential for life. Or the water which we drink, it is used in various metabolic activities within our body. And some water is excreted out of the body through urine and sweat. The next is, this topic, Neetu was given a glucose drip.

फर्स्ट इज़ द क्वान्टिटी ऑफ शुगर वाटर सॉल्ट एंड शुगर इन आर बॉडी डिक्रीजेज़ वेन वी हैव वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस जब हमें वामिटिंग और लूज मोशंस होते हैं तो इन सबकी क्वान्टिटी हमारी बॉडी में कम हो जाती है टू रिप्लानिश दिस लॉस ऑफ लॉस अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इज गिवन तो इसे ख़त्म करने के लिए इस लॉस को हम शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं द नेक्स्ट इज़ येस आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज आपने ग्लूकॉन डी के पैकेट पर देखा होगा आई हैव सीन इन वेरियस एडवर्टीजमेंट्स ऑन टी वी दिस वे यू विल राइट नेक्स्ट आर दीज क्वेश्चन हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज हाउ डज इट टेस्ट उसका टेस्ट कैसा है हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली मेंबर बिन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप क्या आपको या किसी फैमिली मेंबर को ग्लूकोज ड्रिप लगा है द नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वेल प्लेइंग हॉकी उनकी टीचर क्यों देती थी क्यों उन्हें सजेस्ट करती थी कि दे शुड हैव ग्लूकोज एंड लास्ट इज लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग हाउ इज द ग्लूकोज स्ट्रिप बीन गिवन आंसर ऑफ फर्स्ट इज यस आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज इट इट टेस्ट्स स्वीट देन नेक्स्ट इज येस वस माई सिस्टर हैड फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस शी कुड नॉट डाइजेस्ट एनी फूड एंड गॉट वेरी वीक दैट्स वाई डॉक्टर gave her glucose strip and last May due to more sweating we lose lot of energy right it's, that's why we take glucose solution for instant energy. you can write in short you can write in short also.

को कि वो वन रोटी खाती थी क्यों वो वन रोटी ही खा सकती थी बिकॉज रश्मि इज टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील इन अ डे उसके पास इतने पैसे नहीं थे दैट्स वाई शी कुट ओनली वन रोटी इन द होल डे डो यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स नो आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट बिकॉज हिस्स फैट एंड फ्लैपी बॉडी शोज दैट ही नेवर डज एनी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड आप प्रॉपर फूड से क्या समझते हैं प्रॉपर फूड इज़ वन विच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड विद ऑल न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं विच कंटेन ऑल असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मी एंड के लाश वॉज नॉट प्रॉपर इन दोनों का फूड प्रॉपर क्यों नहीं था रश्मि इज नॉट गेटिंग इन फूड ड्यू टू पवर्टी रश्मि के पास पैसे नहीं थे दैट्स वाई शी वॉज नॉट एबल टू परचेज मोर ऑफ फूड वेरॉज कैलाश इज मोर डिपेंडेंट ऑन जंक फूड कैलाश बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था और उसमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं थे दैट्स वाई बहुत ज्यादा फैट था इट्स अ रिक्वेस्ट यू पीपल शूड ऑल्सो अवॉइड जंक फूड बेट आफ्टर दैट ओनली वी हैव टू डू दिस पोर्शन ओनली वट वी हैव लर्न फर्स्ट इज़ वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली वेन यू हैव अ कोल्ड जब आपको कोल्ड होता है जुकाम होता है आप फूड को प्रॉपरली क्यों टेस्ट नहीं कर पाते हो वैन वी आर डाउन विद कोल्ड आर नोज गेट्स ब्लॉक्ड हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है द सेंसेज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर क्लोज टू ईच अदर सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट एक साथ रिलेटेड होते हैं आपस में दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू टेस्ट द फूड प्रॉपर्ली

students, there is a note for you that you have to do the question answers of this chapter in fair notebook till thursday. that is 14th may. apne thursday tak, i'm giving you four days, monday, tuesday, wednesday and thursday. thursday tak, you people have to do your work. you have to complete your work in your fair notebooks. and i hope you will complete it well on time. this was all. goodbye everyone. we will meet in our next class.